हेलो फ्रेंड्स, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुभव बरनवाल है और आज के इस वीडियो में हम चेक से रिलेटेड क्रॉसिंग के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। सो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रॉसिंग का मतलब है और डायरेक्शन गिवन बाय क्लाइंट टू बैंक, मतलब बैंक चेक का पेमेंट एट काउंटर न करके एट बैंक करेगा। इस तरीके से हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि पेमेंट किस पर्सन को हुआ है। क्रॉसिंग के चार तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट है जनरल क्रॉसिंग, सेकंड है स्पेशल क्रॉसिंग, थर्ड है नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग एंड फोर्थ है अकाउंट पे क्रॉसिंग। आइए फर्स्ट समझते हैं जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में चेक के कॉर्नर पे दो ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसका मतलब है चेक का पेमेंट किसी बैंक को ही किया जाएगा। एग्जाम्पल, नेक्स्ट है स्पेशल क्रॉसिंग। इस तरह की क्रॉसिंग किसी पार्टिकुलर बैंक का नाम कंटेन करता है, जिसका मतलब है कि पेमेंट किसी स्पेसिफाइड बैंक को ही किया जाएगा। एग्जाम्पल, नेक्स्ट इज नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग। चेक नॉट निगोशिएबल वर्ड को कंटेन करेगा, इसे जनरल और स्पेशल क्रॉस होना जरूरी है। नॉट निगोशिएबल वर्ड का मतलब यह नहीं है कि चेक निगोशिएट नहीं होगा। चेक निगोशिएट तो होगा, लेकिन टाइटल ऑफ द होल्डर शैल नॉट बी बेटर देन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर। एग्जाम्पल, यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल नॉट निगोशिएबल वर्ड सफिशियंट नहीं है, चेक को जनरल या फिर स्पेशल क्रॉस होना जरूरी है। नेक्स्ट है अकाउंट पे क्रॉसिंग। चेक मस्ट कंटेन द वर्ड अकाउंट पे, इसका मतलब है चेक फर्दर निगोशिएट नहीं होगा। एग्जाम्पल, इस केस में भी केवल अकाउंट पे वर्ड सफिशियंट नहीं है, अकाउंट पे क्रॉसिंग के साथ जनरल या फिर स्पेशल क्रॉसिंग होना जरूरी है। सो क्रॉसिंग के टॉपिक में आज के लिए बस यहीं तक। अगले वीडियो मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बी से बाय, बी केयरफुल, गुड बाय एंड थैंक यू।